हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा। मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है चतुर्भुज। चतुर्भुज से बेस कुछ क्वेश्चनों को हम अच्छे से कर चुके थे और उससे बेस थ्योरीज को भी अच्छे से समझ चुके थे। चतुर्भुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उनकी थ्योरीज को भी अच्छे से समझ लिया था। आइए इसमें कुछ अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 5। अब देखिए, आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। अब देखिए, ए बी सी और डी, इसमें क्या दिया गया है, ई और एफ। ई रेखा आपको लाइन यह दी गई है, बिंदु ई यहाँ पर दिया गया है और एफ आपको यहाँ पर दिया गया है। और ये देखिए यहाँ तक आ गया और ये आपका आ गया डी से बी तक। ये आपका Q बिंदु और ये आ गया आपका P बिंदु। आकृति 8.31 अब देख सकते हैं हम यहाँ पे। दर्शाइए कि रेखाखंड ए एफ ई सी विकर्ण बी डी को समद्विभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है। अब देखिए, ए एफ ये वाली लाइन आ गई आपकी A से लेकर F तक, और सी एफ सी ई या ई सी हम इसको बोल सकते हैं, ये किसको, बी डी को समत्रिभाजित करता है, तीन टुकड़ों में बांट देता है। 1 2 3, थ्री टुकड़ों में हमने इसको तीन टुकड़ों में समतम त्रिभाजित करते हैं। अब देखते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या है। ए बी बराबर है सी डी के। अब देखिए, ए बी कहाँ है आपका, ये रहा ए बी। ए बी बराबर है किसके, सी डी के। ये हम लिख लेते हैं, इस पे क्या हो गया, ए बी बराबर है किसके, सी डी के, दिया गया है आपको क्वेश्चन में। अब 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2 सी डी, अगर आधा करेंगे ए बी का तो आधा होगा किसका, सी डी का। ये क्या है आपको दिया गया है, तो ए ई बराबर क्या हो गया, सी ई। तो ए ई बराबर क्या हो गया, सी ई के। और क्या हो गया, ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। अब चतुर्भुज ए ई सी एफ में क्या है, ए ई बराबर क्या हो गया, सी एफ, ऊपर सिद्ध किया गया है। और क्या दिया गया है, ए ई बराबर सी एफ क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख समांतर होती है, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, दोनों की समांतर होती हैं। और ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, क्या हो गया आपका, चतुर्भुज ए ई, ए ई सी एफ क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये आपको समझ में आई वाली बात। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ए डी ए डी सी क्यू में देखेंगे कि एफ भुजा डी सी का मध्य बिंदु है। अब देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन में कि एफ भुजा किसका, जो एफ भुजा है वो किसका मध्य बिंदु है, डी सी का। ये डी सी, इतना आपको समझ में आ गया। ये एफ आ गई और ये भुजा आ गई आपकी ई, और ये आपको पी क्यू दिए गए हैं, ई और एफ। इसे आगे हम क्रिएट कर लेते हैं, ए बी सी और डी, और आपको एक रेखा यहाँ से दी गई है और एक ये आपको यहाँ दी गई है। ये है हमारी ई और ये एफ, और ये क्या आ गया हमारा, पी, और ये आ गया आपका क्यू। आप देख सकते हैं दिया गया है क्या, ई एफ पी समांतर है सी क्यू के। एफ पी देखिए कहाँ पर है, और ये क्या आ गया आपका, पी क्यू सी क्यू आपका, ये वाली लाइन, ये दोनों समांतर आ गए एक दूसरे के। तो क्या आ गया, एफ पी समांतर है सी क्यू के, और त्रिभुज ये चतुर्भुज ए सी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। अब पी भुजा डी क्यू का मध्य बिंदु है, डी क्यू का मध्य बिंदु में, देखिए यहाँ इस तरीके से आ रही है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और डी पी आपका बराबर है पी क्यू के, समीकरण नंबर 1 से डी पी, ये डी हो गया, डी पी बराबर क्या है आपके, पी क्यू, ये पी क्यू के। तो आपका डी पी बराबर आ गया किसके, पी क्यू के। अब इसी प्रकार त्रिभुज ए पी बी में, ए बी पी में ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है,
ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, और क्या है दिया गया है इसमें, और ई क्यू समांतर है किसके, ए पी के। ई क्यू किसके समांतर है, ए पी के। देखिए ए पी आपको दिया गया है, और ए ई सी एफ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब अतः क्या है, क्यों भुजा बी पी बी का मध्य बिंदु है, क्यों भुजा बी पी का मध्य बिंदु है। यहाँ का देखिए मध्य बिंदु आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या है मध्य बिंदु, और क्या है, क्योंकि मध्य बिंदु परिमेय के विलोम से हमने इसको लिया है, और क्या आता है हमारा पी क्यू बराबर है क्यू बी के। अब देख सकते हैं यहाँ पर पी क्यू बराबर है बी क्यू के, तो हमारा पी क्यू बराबर आ गया क्यू बी के। समीकरण नंबर दो हो गया आपका ये, और ये आ गया समीकरण नंबर आपका वन। अब समीकरण नंबर एक और दो से हम ले सकते हैं, क्योंकि पी क्यू यहाँ पर भी और पी क्यू यहाँ पर भी है, पी क्यू बराबर यहाँ पर क्यू बी है और पी पी क्यू बराबर यहाँ डी पी है, तो इनको हम बराबर रख सकते हैं कि डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। समीकरण वन व टू से हमने इसको लिया है, तो हम इन तीनों को साथ में बराबर रख सकते हैं। अब क्या है, अतः रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समद्विभाजित करते हैं। अब ए एफ कहाँ है आपका, ए एफ ये वाला, और सी ई सी इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं, एक दो और तीन। तो क्या हो गया कि रेखाखंड ए एफ ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको सिक्स दिया गया है, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं, कि किसी भी मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब आपको दिया गया है क्या, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी और डी एक चतुर्भुज आपको दिया गया है, जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः बिंदु ए बी बी पी ई सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। अब देखिए पी क्यू आर एस भुजाओं ए पी ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं, और आपको क्या दिया गया है, यहाँ से देखिए ये आपसे हमने इसको मिला दिया, और ये क्या आ गया आपका विकर्ण आ गया इस प्रकार। अब त्रिभुज क्या दिया गया है, ए सी डी में, ए सी डी में ये वाला त्रिभुज आ गया आपका। एस भुजा डी ए का मध्य बिंदु है, एस भुजा डी ए का क्या है मध्य बिंदु, इतना आपको समझ में आ गई वाली बात। अब इसको हम आगे भी क्रिएट कर सकते हैं, यहां हम इसको बना लेते हैं ए बी सी डी, और हमारा इस प्रकार ये बन रहा था पी क्यू आर एस, और ये हमारा विकर्ण आ रहा है यहां तक। अब आर भुजा डी सी का मध्य बिंदु है, अब आ गया आपका डी, और ये आर क्या हो गया यहाँ पर इसका डी सी का मध्य बिंदु आ गया, और एस आर आपका समांतर है ए सी के, एस आर समांतर है किसके ए सी के, और ये इसका दुगुना भी हो जाता है। देखिए ये हमने पिछले क्वेश्चनों में भी अच्छे से किया है, और त्रिभुज ए सी डी में हम देखेंगे ए सी डी ये वाला, ये त्रिभुज आपका जो आ रहा है, देखते हैं कि पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, पी भुजा का है आपकी ये ए बी का मध्य बिंदु है, क्या हो गई मध्य बिंदु, और क्या दिया गया है क्यों भुजा बी सी का मध्य बिंदु है,
क्यों भुजा बीसी का मध्य बिंदु है? क्या हो गया? मध्य बिंदु। अब देखिए कि पी क्यू आपका समांतर है ए सी के और पी क्यू आपका क्या है 1/2 ए सी के मध्य बिंदु परिमेय के अकॉर्डिंग। अब समीकरण एक और समीकरण दो से अब हम लेते हैं कि पी क्यू आपका समांतर है एस आर के और समीकरण तीन में क्या आ गया पी क्यू समांतर है ए सी के और एस आर समांतर है ए सी के। तो पी क्यू पर है ए सी के और एस आर समांतर है ए सी के। इतना आपको समझ में आया। अब पी क्यू बराबर एस आर क्या हो गया एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी और पी क्यू 1/2 ए सी। तो एस आर आ गया आपका यहाँ से और ए सी का क्या आ गया डबल हो गया और पी क्यू आ गया आपका यहाँ से 1/2 ए सी ये आ गया। और चतुर्भुज पी क्यू आर एस में हम देखते हैं कि पी क्यू समांतर है एस आर के और पी क्यू बराबर है एस आर के। समीकरण थ्री और फोर से हम देख सकते हैं। अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। इसलिए रेखाखंड एस क्यू और आर एस समद्विभाजित करते हैं। तो रेखाखंड एस क्यू एस और आपका क्यू देख लेते हैं एस से लेकर क्यू तक ये वाली लाइन आ गई आपकी। क्या करते हैं पी आर ये पी आर आ गया आपका यहाँ तक। इसको क्या कर रहे हैं समद्विभाजित कर रहे हैं टू पार्ट्स में डिवाइडेड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 7 दिया गया है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर खींची गई रेखा ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। इसलिए दर्शाइए कि ए बी सी दिया गया है और डी और एम दिया गया है। ये आपको दिख गया होगा। अब क्या करना है कि डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। अब डी भुजा क्या है ए सी का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। ये दर्शाना है आपको। उसी प्रकार एम डी आपका ए सी पर क्या है लंब है। ए सी पर क्या लंब है? ये आपका आ गया लंब 90 डिग्री मान लेंगे इसको समकोण आ गया आपका। और थर्ड आपको दिया गया है सी एम बराबर क्या हो गया एम ए सी एम बराबर एम ए ये एम ए आ गया आपका। ये दोनों भुजाएं बराबर दी गई हैं और बराबर 1/2 ए बी और इसको क्या कर दिया ये ए बी का क्या आ गया आधे। ये दोनों ए बी की आधे हैं। ये ए बी पूरी लाइन हो गई ये इसकी आधी हो गई। ये हमें सिद्ध करना है। अब फर्स्ट दिया गया है आपको त्रिभुज ए बी सी में एम भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु एम भुजा आपको दी गई है और डी एम समांतर है बी सी के। डी एम समांतर है बी सी के दिया गया है और डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु होगा मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। अब सेकंड क्या दिया गया है त्रिभुज ए डी एम बराबर है ए सी बी के संगत कोण के अकॉर्डिंग और त्रिभुज ए डी एम बराबर क्या है 90 डिग्री। ए डी एम क्या आ गया ये आपका 90 डिग्री आ गया और ए सी बी क्या है आपका 90 डिग्री है और हमारा एम डी ए सी पर क्या है लंब है क्योंकि क्या है कि 90 डिग्री का आपका आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए थर्ड दिया गया है आपको त्रिभुज ए एम डी और सी एम डी में देखिए दिया गया आपको ए सी बी और आपको डी एम दिए गए हैं। इस प्रकार एक त्रिभुज आपको बनाकर दिया गया है। अब देखिए ए डी और सी डी आपको ऊपर सिद्ध किया गया था और ए डी एम और सी डी एम क्या है प्रत्येक 90 डिग्री के हो गए दोनों और डी एम और डी एम क्या हो गया उभयनिष्ठ हो गया दोनों में। डी एम आ गई इसकी उभयनिष्ठ रेखा। क्या आ गई? उभयनिष्ठ। अतः ए एम डी बराबर है सी एम डी के और ये समरूप भी है सर्वांग समता के नियम से। अब ए एम बराबर आ गया सी एम सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं और ए एम आ गया बराबर 1/2 ए बी के ये दिया गया है और सी एम आ गया ए एम के क्या आ गया 1/2 ए बी। इतना आपको दिया गया है क्वेश्चन में। इसको हमने अच्छे से किया है कि हमारा सी एम क्या आ गया ए एम के बराबर आ गया। अब देखिए समरी किसी चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है इतना आप सबको पता है और समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसके दो सर्वांगसम त्रिभुजों को विभाजित करता है।
थर्ड क्या आ गया आपका, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमारे इसके गुण हो गए। और क्या आ गया फोर्थ आपका, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हों या सम्मुख कोण बराबर हों या विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हों या सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो या समांतर हो। अब आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, इसका विलोम भी सत्य है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, विलोम भी सत्य है। वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, यह भी सत्य है। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है, उसका आधा होता है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा भुजा के समद्विभाजित करती है। किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य भुजाओं के क्रम को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। ये बातें आपको क्लियर हो गई अच्छे से? तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार इसकी समरीज को सीखा और अच्छे से चतुर्भुज के बारे में इस कक्षा में हमने समझा, कुछ उदाहरणों को भी किया। आगे का हम नेक्स्ट कक्षा में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।